नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी नई सहमति। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव ने करहल से दाखिल किया नामांकन। गांदरमल आतंकी हमले पर राहुल गांधी बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, अवैध हथियार भी किए गए जब्त। आतंकी पन्नू ने दिए एयर इंडिया में विस्फोट की धमकी। रोहिणी ब्लास्ट में धमाके से CRPF स्कूल की दीवार में हो गया था बड़ा होल, FIR में हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर में गांदरबल आतंकी हमले के घायलों से मिलने पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग पर संजय राउत बोले, आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। बहराइच हिंसा में CO के बाद एडिशनल SP भी हटाए गए। राजस्थान में कृषि विभाग में 241 पदों पर आवेदन हुआ शुरू। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।